गुड इवनिंग क्लास। चलिए आज हम लोग अपनी सेकंड पोएम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, इसमें जो द रोड नॉट टेकन है, इसमें रोड जो है क्या सिंबलाइज़ कर रहा है, यहाँ पे रोड जो है वो हमारी लाइफ को सिंबलाइज़ कर रहा है। और पोएट यहाँ पे बताना चाहता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होती है हमारे पास चूज़ करने के लिए कि हम कौन से रास्ते पर चलें या कौन सी चॉइस को हम लें। और वो साथ साथ ये हम डिस्क्राइब करने जाता है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं उनके लिए जो हमारे ऐसे पाथ थे, हमारी ऐसी चॉइस थी जो हमारी पीछे रह गई। यानी क्या होता है, जीवन में हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, पर हम लोग सब तो नहीं ले सकते, हम उसमें से कुछ ले पाते हैं कुछ नहीं ले पाते, या एक ले पाते हैं बाकी नहीं ले पाते। तो जिसको हम ले लेते हैं उस पर हम आगे बढ़ जाते हैं, पर जो पीछे रह जाते हैं उस पर हमारे सिर्फ क्या रह जाता है, उस पर सिर्फ हमको रिग्रेट रह जाता है, उस पर सिर्फ हम पछतावा करते रह जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बनना मेरे को कुछ और था और बन मैं कुछ और गया, तो जीवन भर ये सोचते रहेंगे, यार काश तब कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, तब कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। तो जीवन में जब भी चॉइसेस आती हैं, जीवन में जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो एक बार ही आपके पास आती है, और उस टाइम आपको जो है सोच समझ के चूज़ करना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। तो ये जो पोएम है ना, ये पोएम हमको यही बताना चाहती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमको अभी डिसाइड करना पड़ेगा, यानी फ्यूचर में हम कैसे होंगे वो हमें आज की चॉइसेस पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो एक मैसेज यहाँ पे पोएट देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं कि जो चॉइसेस हम करते हैं उनका क्या इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ता है, और अगर हमने वो गलत चॉइस कर ली तो उसका हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम कैसे रिग्रेट करते हैं, क्योंकि हम पीछे तो जा नहीं सकते समय में। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बहुत समझदारी से जो है सोचना चाहिए जब हम कोई चॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो इस पोएम यही सब पोएट बताना चाहते हैं। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट होना, यानी दो तरफ जाना, यहाँ पर रोड को बोला जा रहा है। तो पोएट बोल रहे हैं कि एक बार जो है वो ऐसे ही रोड पे चल रहे थे, तो उन्होंने आगे जाके देखा कि रोड में जो है डाइवर्जन है आगे चल के, यानी रोड जो है वो दो तरफ मुड़ रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और ऑफकोर्स पोएट दो रास्तों पर तो एक साथ नहीं जा सकते, एक रास्ते पर एक ही बार में जाएंगे। तो वो कहते हैं कि मैं देर वर टू डिफरेंट पाथ, और मैं क्या नहीं कर पाऊँगा, मैं दोनों रास्तों पे एक बार नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो पोएट साथ साथ ये कहते हैं, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो पोएट यहाँ बताते हैं कि वो एक ही पर्सन है, इसलिए वो एक ही रोड को ट्रैवल कर सकते हैं, वो एक से ज़्यादा रोड ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या करना है, अब उनको जो है ये चूज़ करना है आउट ऑफ टू रोड्स कि मैं कौन सी वाली रोड को लूँ। सो ही हैड टू चूज़ वन आउट ऑफ दीज टू रोड्स। और यहाँ पर जो ये येल्लो वुड है, येल्लो वुड का क्या मतलब है, द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येल्लो वुड, बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे फॉरेस्ट है और उसकी जो लीव्स वगैरह, वो लीव्स क्या रखी है, वो नीचे गिरी हुई, जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ की लीव्स जब पेड़ों पे होती है तो हरी होती है, जब वो नीचे गिर जाती है तो येल्लो कलर की जाती है। तो वो जो रोड डाइवर्ज हो रही है वो अंदर दो फॉरेस्ट में डाइवर्ज हो रही है, और वहाँ पर येल्लो वुड इसलिए बोला जा रहा है, वुड बोलते हैं जंगल को, और येल्लो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो पत्तियों की वजह से वहाँ का कलर कैसा लग रहा है, वो येल्लो लग रहा है, क्योंकि पत्तियाँ नीचे गिर के जो मुरझा चुके और नीचे गिर के वो येलो पड़ जाती है, तो ऐसा हो रखा है। तो कहते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पे तो नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं वहां पे खड़ा होकर मैं सोचता हूं, लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं कहता हूं वहां खड़े होकर क्या करता हूं, मैं खड़े होकर जो है वहां पे दूर तक जो है उसको देखता हूं जहां तक वो रास्ता जो है जा रहा होता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ यानी कि जहाँ पर वो जंगल में अंदर रास्ता मुड़ रहा है, तो जहाँ पे वो बेंट हो रहा है मैं वह बेंट पोजीशन तक उसको जो है देखता हूँ। तो पोएट जो है यहाँ पर कहते हैं कि मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ पे और केयरफुली जो है उस चीज़ को देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अब रास्तों पे क्या करना, मुझे रास्ते में जो है चॉइस करनी है कि मैं कौन सा वाला रास्ता जो है मैं अपनाऊँ, कि कोई वाला रास्ता मेरे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, वो पाथ पे खड़े होकर इसको जहाँ तक वो कर्व है अंदर रोड का, जैसे रोड पर मोड़ होता है ना, तो आप एक तरफ से देखें तो मोड़ तक आपको दिखाई देगा, मोड़ के बाद तो नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही वो भी कहते हैं मैं इधर खड़े होकर जो कर्व होता है, मैं कर्व को जो है वहाँ तक देखता हूँ, क्योंकि उसके आगे कर्व जो है वो फिर ट्रीज़ वगैरह से जो है वो कवर हो रखा है, और उसके आगे फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कर्व तक देखता हूँ। और कहता है बिल्कुल ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है, जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी होते हैं कि यार ऐसा कर लूँ ऐसा नहीं, तो चलो ऐसा कर लूँ ऐसा नहीं,
नहीं तो ऐसा कर लूँ, हर चॉइस का अल्टरनेटिव होता है। पर हमको तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या सब अल्टरनेटिव को ले सकते हैं? नहीं, हमको तो किसी एक को लेना पड़ेगा। तो उस टाइम हमको जो है सब सोचना चाहिए वाइजली, हमें इस रास्ते के बारे में, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स सोचने चाहिए, मेरिट डीमेरिट क्या होंगे हमारे लिए, उसके लिए लाभ और हानि क्या होगा हमारा, और वो हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं, वो सब हमको देखना चाहिए। उससे उसके बाद ही हमको जो है डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा वाला पाथ हमको जो है चूज़ करना है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो इस पैराग्राफ में पोएट ये बताना चाहते थे कि जो है मैं जा रहा था एक रोड पे और मेरे सामने जो है दो रोड आ जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे दोनों रोड पे तो जा नहीं सकता, मुझे किसी एक रोड पे चलना है। ठीक है, और वो जो रोड है वो कहाँ पे जा रही है, वो येल्लो वुड में जा रही है। और येल्लो वुड क्यों बोला था उन्होंने, क्योंकि हम मान सकते हैं कि ऑटम का सीज़न होगा तो लीव्स वगैरह जो है वो नीचे गिर गए होंगे पतझड़ के टाइम पर, वो सब क्या हो गए होंगे, येल्लो हो गए होंगे। और साथ साथ ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वर्ल्ड है सब लोगों से भरा हुआ है, जहाँ पर लोग क्या करें काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और तो लोग यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो है वो ओल्डर होते जा रहे हैं देन द पोएट। सो उसको क्या करना चाहिए, उसको वहाँ पे जो है रुक के देखना चाहिए, ठीक से उस पाथ के बारे में सोचना चाहिए कि उस रास्ते पे जाए या ना जाए। ठीक है, मतलब वाइजली सोचे। तो पहले पैराग्राफ में यही बताते हैं कि जैसे हमारा जीवन चल रहा है, तो जीवन चलते चलते हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने अचानक ऐसे चॉइसेस आ जाते हैं, तो उन चॉइसेस को हमको क्या करना पड़ता है, उन चॉइसेस को हमको जो है देखना पड़ता है, उनको बड़े वाइजली हमको सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, हम उन पे जाएं या ना जाएं। तो पोएट ये कहता है कि आप उसके सब प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप सोचो, उनके बारे में देखो, उनके बारे में पता लगाओ कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, उसके बाद ही क्या करो, उसके बाद ही आप उसको जो है चूज़ करो। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ कहते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब वो दो रास्तों पे जा नहीं सकते, तो कहते हैं मैं उनमें से एक रास्ता चुनता हूँ जो कि मुझे फेयर लगता है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। देखिए तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो है एक पाथ को जो है एक लॉन्ग टाइम तक जो है मैं चेक करता रहता हूँ कि वो मेरे लिए सही होगा या नहीं, और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ मेरे को इस पे जो है चलना है। क्योंकि जो दूसरा पाथ है वो कैसा हो रखा है, तो वहाँ पे जो मतलब दोनों पाथ देखने में तो सही लग रहे हैं, पर कहते हैं कि यही से ना जस्ट एज फेयर कि दोनों पाथ देखने में तो सही लग रहे हैं पर मेरे को चूज़ तो एक ही करना है, तो उनको लगता है कि वो दोनों इक्वली गुड है और मेरे को जो है दोनों पे से किसी एक पर चलना है। सो इसलिए वो मे बी ही फेल्ट स्टार्ट वो करते हैं दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, सो ही चूजेज इट हैज़ द ग्रास ऑन इट विच मीन्स दैट इट वॉज अनयूज। तो वो क्या करते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर बोलते हैं ना, तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो दूसरा वाला रास्ता है, दोनों रास्तों में देखने में तो दोनों रास्ते अच्छे लग रहे हैं, दोनों रास्ते बढ़िया लग रहे हैं, पर वो कहते हैं मुझे लगता है वो जो दूसरा वाला रास्ता है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि उस पर जो अभी ग्रास है ना वो कैसा थोड़ा सा ग्रासी है एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर यानी कि अभी उस पर ज़्यादा लोग जो है चले नहीं है, मतलब उस पर ज़्यादा लोग मूव नहीं करें, यानी वो रास्ता जो है अभी भीड़ भड़ाके वाला नहीं है। क्या होता है, इससे रास्ते में घास हो और अगर उस रास्ते में बहुत सारे लोग चल रहे हैं तो घास ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो घिस जाती है, लोग उसके ऊपर ज़्यादा चलते हैं। तो कहते हैं बट ये जो दूसरा वाला रास्ता में दोनों रास्ते देखने में बढ़िया लग रहे हैं, दोनों फेयर लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, पर कहते हैं एक रास्ते पर ना मुझे थोड़ा ग्रासी लग रहा है, घास जैसे लग रहा है, और वो वॉन्टेड वियर है। वॉन्टेड वियर क्यों, क्योंकि उस पर जो है लोग अभी ज़्यादा जो है चले नहीं हैं, तो इसलिए वो रास्ता जो है मुझे ठीक लग रहा है। एंड तो थोड़े क्या होता है, दो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो जब वो कहते हैं कि मैं उस रास्ते पे चलता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि दोनों पाथ ही क्या हो रखे हैं, दोनों पाथ ही जो हैं एक ही तरीके से वॉर्न हो रखे हैं। ठीक है, WORN वॉर्न, ठीक है, तो वॉर्न हो रखे हैं। वॉर्न का मतलब क्या होता है, वॉर्न का मतलब होता है ख़राब होना। तो कहते हैं दोनों रास्ते जो हैं एक ही तरफ से ख़राब होना बोल सकते हैं, या उनको जो है एक ही तरीके से इस्तेमाल करा हुआ है, यानी लोग एक ही तरीके से उस पर चले हुए हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी क्या होता है, हम लोगों के पास कई सारे पाथ होते हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं, बट हमको क्या करना है, हमें और ज़्यादातर क्या होता है, सभी पाथ में से सब एक ही तरीके के बेनिफिट, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम, चैलेंज हमको फेस करने पड़ते हैं। भाई आप सोचें हम फ्यूचर में ये बन जाएं, आप कुछ भी बनो, तो हर चीज़ में क्या, हर चीज़ में अगर बेनिफिट है तो हर चीज़ में मेहनत भी तो है, हर चीज़ में डिसएडवांटेज भी तो है, हर चीज़ में प्रॉब्लम भी तो है। ये थोड़ी ना कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाएगी, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको यहाँ पे ये सोचना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बढ़िया होगा जिसको हम जो है चूज़ कर सकें और जिस पे हम मेहनत कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब दोनों रास्ते देखने में तो कैसे लग रहे हैं मुझको,
एक जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि मैं जो है रास्ते से जा रहा था, और ये रोड किसको बोल रहे हैं, वो रोड हमारी लाइफ को बोल रहे हैं। कहते हैं कि मुझे उसमें क्या होता है, दो रास्ते डाइवर्ज होते दिखते हैं, दो रास्ते मुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमें जैसे अपने लाइफ में डिफरेंट चॉइसेस मिलते हैं, बिल्कुल वैसे दर्शा रहे हैं। तो क्या हम सारी चॉइसेस ले सकते हैं? नहीं, हमको जो है कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। तो ऐसे ही पोएट भी कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं उनमें से एक रास्ता चुनता हूँ, और मैं उस रास्ते को ना थोड़ी दूर तक देखता हूँ, कहाँ तक, जहाँ तक वो कर्व है, मैं उस कर्व तक उसको देखता हूँ, उस मोड़ तक देखता हूँ। और उस मोड़ तक देखने का मतलब है कि मैं उस रास्ते को अच्छी तरीके से सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा। तो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही लाइफ में हमको भी अपनी चॉइसेस के ऊपर करना चाहिए। जो भी चॉइस हम चुन रहे हैं तो उस चॉइस को हमको देखना चाहिए, वो चॉइस हमारे लिए ठीक होगी या नहीं होगी, हमको उस चॉइस को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आगे जाएँ या ना जाएँ। इसके बाद वो कहते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो कहता है मैं दोनों रास्तों पर जा नहीं सकता। सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं दोनों रास्तों पर जा नहीं सकता, मुझे एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा जो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। कहता है देखने में तो वैसे दोनों फेयर लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, पर फिर भी मुझे एक रास्ता चुनना पड़ेगा। तो कहते हैं मैं क्या करता हूँ, जब मैं दोनों रास्तों को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे एक रास्ता ना थोड़ा ग्रासी सा लगता है, यानी उस पर भी घास हो रखी है और वांटेड वियर है। वांटेड वियर यानी कि अभी लोग उस पर जो है कम चले, इसलिए ग्रासी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एंड दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। पर कहते हैं हालांकि जब मैं उस रास्ते पर भी थोड़ा आगे चले जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये वाला रास्ता भी जो है बरार वाले रास्ते की तरह बिल्कुल सेम तरीके से ये भी यूज़ करा गया है लोगों के द्वारा। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि क्या होता है, जो भी हम सोच रहे हैं तो हमें हर चॉइस के बारे में ना पहले उसके बेनिफिट, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, क्या क्या हम फेस करने वाले हैं, वो सब हमको सोचना चाहिए। क्योंकि हर रास्ते पे आपको जो है चैलेंजेस मिलेंगे मिलेंगे। आप सोचें दूर से देखने से ये रास्ता जो है यार अच्छा लग रहा है, जैसे हमारे पोएट को लगा कि यार ये तो ग्रासी है, उस पर कम लोग होंगे, ये अच्छा होगा, पर जो आगे चला तो उसको पता लगा यार इसमें तो बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे, जैसे सब में करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ होता है। हम अपनी लाइफ में सोचे कि हमारे पास यार बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अरे यार वो मैंने उसको देखा, उसने तो बड़े अच्छे से कर लिया ये वाला कोर्स, या उसको मैंने देखा यार वो तो ये बन गया, तो उसने कितनी मेहनत करी वो तो नहीं दिखाई दे रही ना, उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो हमने सोचा यार ये अच्छा लग रहा है चलो हम भी यही करते हैं। पर जब हम करने लगे तब हमें पता लगा यार इसमें तो बड़ी मेहनत है, जैसे और कामों में मेहनत है इसमें भी मेहनत है। तो मेहनत तो हर काम में, हर काम में आपको चैलेंज मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत सोच समझ के जो है अपना डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पैराग्राफ में कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो पोएट कहते हैं कि वो जो पाथ है, दोनों ही जो पाथ हैं वो मॉर्निंग में तो ना बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। क्यों, क्या होता है, अभी जैसे आप लोग भी देखिए, अगर आपके घर के बाहर पेड़ वगैरह होते हैं तो रात को ऐसे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, तो उस लोगों के घर के बाहर पेड़ सबका घर के बाहर ना एक जैसे लगता है जब पत्ते पड़े होते हैं। पर जब कोई अपने घर के आगे सफाई करता है तो उसका घर थोड़ा अलग दिखाई देता है, पर जब तक सफाई नहीं करता तब तक तो एक ही जैसा होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही कहता है कि उस रास्ते पर, कहता है वो जो दोनों पेड़ हैं, वो जो रास्तों पर पेड़ हैं, कहता है रास्ते दोनों ना एक जैसे लगते हैं मुझे देखने में। क्यों, क्योंकि उन दोनों रास्तों पर क्या होती है, उन दोनों रास्तों पर पत्तियाँ होती हैं और कोई भी अभी तक क्या नहीं हुआ है, नो वन हैड ट्रोडन ब्लैक यानी कोई भी अभी तक उनके ऊपर चला नहीं है। ट्रोडन का मतलब होता है चलना, चलकर उसको जो है खराब करना पत्तियों को। तो कहते हैं कोई भी अभी तक उनके ऊपर चला नहीं है और वो अभी तक क्या है, दे आर स्टिल ऑफ ग्रीन कलर, वो अभी भी जो है ग्रीन ही कलर में। क्यों, क्योंकि वो रात को ही गिरी हैं पत्तियाँ और अभी तक कोई चला नहीं है, इसलिए वो वॉक ओवर उन पर करा नहीं है, तो इसलिए वो अभी बेकार हुई नहीं है, ट्रोडन हुई नहीं है। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे। तो यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि उस दिन वो क्या करेंगे, वो कोई एक रास्ता लेंगे और जो दूसरा रास्ता है वो किसी और दिन के लिए रखेंगे। यानी अगर आपके पास चॉइस है तो भाई दोनों चॉइस तो मैं नहीं फॉलो कर सकता, तो चलो आज एक अच्छी चॉइस है मेरे पास, मैं उस वाली चॉइस को चूज़ करता हूं और दूसरे वाली चॉइस को मैं कल के लिए छोड़ता हूं। तो ऐसे ही कहता है कि जब हमारे, कहते हैं दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, तो बिल्कुल जब हम चॉइस करने जाते हैं ना तो चॉइस करते तो हमको भी दोनों रास्ते एक से लग रहे हैं, पर वो रास्ता हमें पता कब लग जाऊँ उस रास्ते पर चलेंगे। तो कहता है दोनों रास्ते पहले तो एक ही जैसे लगते हैं जब तक कोई उन पर चलता नहीं है, पर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनमें से कोई एक रास्ता चुनूंगा अपनी लाइफ में और दूसरा रास्ता जो है किसी और दिन के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो एक रास्ता है वो एक दूसरे तरफ की तरह जा रहा है, दूसरे रास्ते की तरफ, दूसरी जगह जा रहा है, तो मुझको जो है एक दूसरी जगह जाना है। तो उनको पता है कि वो क्या नहीं कर सकते, वो वापस तो जा नहीं सकते,
तो एक ही रास्ता उनको लेना पड़ेगा। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही ना हमारी लाइफ में भी होता है, जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हमको जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इसी ऑप्शन के साथ कि हम लोगों के पास कभी भी पीछे जाने का रास्ता नहीं आएगा और ना ही हमको पीछे मुड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो दूसरा ऑप्शन है हमें उसको जो है वो बाद में हम उसको चाहे ले सकते हैं, बट हमें अभी जो है उसको क्या करना पड़ेगा, अभी उसको जो है हमें छोड़ना पड़ेगा। बोलते हैं ना येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे, कहता है मुझे पता है कि इस रास्ते पर जो है किस तरीके से चला जाएगा, ये रास्ता जो है आगे की तरफ जाएगा और पीछे आना इस पर मुश्किल है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और कहता है हाँ मुझे डाउट है, क्या डाउट है कि जो मैं रास्ता पीछे छोड़ के आया हूँ क्या मैं उस पर कभी वापस जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे लाइफ में होता है हमारी कि जब हमारे पास सामने रास्ते और चॉइसेस होते हैं तो चॉइसेस देखने बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जब रास्ते में पत्तियाँ पड़ी होती हैं तो दोनों रास्ते कैसे लगते हैं, एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई उन पर चला नहीं है। कोई उन पर चला नहीं मतलब अगर कोई चल जाता तो मुझे एक्सपीरियंस बता देता अपना कि भाई ये अच्छा है ये बेकार है। तो कई बार लाइफ में ऐसे चॉइसेस आती हैं जहाँ पर हमको कोई एक्सपीरियंस बताने वाला भी नहीं मिलता, कोई सलाह देने वाला भी नहीं मिलता, तो वहाँ तो हमको ही डिसीजन लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम उस वक्त ना हमारे माइंड में चलता है कि चल यार ये वाला रास्ता चुन लेता हूँ और नहीं काम बना तो दूसरा वाला फिर चुन लूँगा बाद में। पर होता क्या है कि जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं और जब उस पर आगे चले जाते हैं, जब वे हाउ वे लेट्स ऑन टू वे, जब उस पर आगे चले जाते हैं तब आगे जाके हमको पता लगता है कि यार हम तो वापस आ ही नहीं सकते, हम तो पीछे अब मुड़ ही नहीं सकते। इसलिए पोएट कहते हैं कि मुझे डाउट है इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मन में सोच तो रहा हूँ मैं कि हाँ बाद में आऊँगा, बाद में इस रास्ते को चुन लूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस रास्ते को बाद में चुन पाऊँगा। क्लियर। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है हमारा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, शाई बोलते हैं बेटा एक डीप ब्रेथ को, मतलब ऐसे जो है एकदम सेटिस्फाइंग टोन के साथ। तो कहता है कि मैं आपको ये सब जो है एक सेटिस्फेक्शन से बताता हूँ, दैट समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस बोलते हैं मतलब यहाँ पर फ्यूचर की बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, मैं एक सेटिस्फेक्शन टोन के साथ मैं आपको बताऊँगा कि एक बार की बात थी जब मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचा था जब मेरे पास दो ऑप्शन थे और मैंने क्या करा, मैंने वो वाला रोड लिया जिसके ऊपर जो है कम लोग चला करते थे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। तो कहते हैं कि अब पोएट ने क्या है, पोएट के लाइफ में दो रास्ते आए थे और पोएट उनमें से एक रास्ता चुना या नहीं चुना, बिल्कुल चुना पोएट ने। तो पोएट के पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसको उस वाले रास्ते के प्रोज कॉन्स पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। तो पोएट हमको यही कहता है कि जब फ्यूचर में ना आप मेरे से पूछेंगे पता करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको एक सेटिस्फेक्शन टोन के साथ ये समझा सकूंगा, मैं आपको बता सकूंगा कि हाँ मेरे जीवन में भी जो है समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कि आगे चल के मैं आपको कभी बताऊंगा कि मेरे जीवन में भी जो है एक बार ऐसा टाइम आया था जब मेरे पास जो है जंगल में दो रास्ते थे, यानी कि मेरी लाइफ में दो चॉइसेस थे और मैंने क्या करा, मैंने वो वाला चॉइस करा जो दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसको लोगों ने कम यूज़ करा था, यानी मैंने एक चैलेंज वाला मैंने रास्ता एक्सेप्ट करा, मैंने एक चैलेंजिंग जो रास्ता था एडवेंचरस जॉब था मैंने वो एक्सेप्ट करा, जिसके बाद लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था, मैंने वो वाला जो है मैंने उसको चूज़ करा एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो और इसी से क्या हुआ, दैट मेज ऑल द डिफरेंस, यानी कि आज जो मैं आपके सामने हूँ वो उसी डिसीजन के वजह से हूँ। यानी जो पोएट है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो आज हमारे सामने क्या है, वो हम उनको एज अ पोएट जानते हैं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतनी सारी अच्छी अच्छी रचनाएँ लिखी हैं, इतनी पोएम्स इतनी कहानियाँ लिखी जिनकी वजह से हम उनको आज जानते हैं। तो पोएट अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं भाई मेरे जीवन में भी दो रास्ते थे, या तो मैं पोएट बन सकता था या फिर मैं कुछ और बन सकता था, अपने कोई और जॉब कर सकता था, पर कहते उस वक्त मैंने डिसीजन लिया और मैंने वो रास्ता चुना जिस पे लोग कम चलते थे। यानी कौन सा काम करा मैंने पोएट वाला काम करा। पोएट तो हर कोई नहीं बनता, सबको लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग है, काम चलेगा नहीं चलेगा, बट रॉबर्ट ने ऐसा नहीं सोचा, कहते मैं तो इस पे चल पड़ा और कहते देखो मैंने उस दिन चॉइस करा था और अच्छा चॉइस लिया जिसकी वजह से दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, जिसकी वजह से आज आप मुझे जो है एज अ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जानते हैं। अगर वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक नॉर्मल पर्सन की तरह जॉब कर रहे तो कोई जानता नहीं जानता, आज वो इतने बड़े पोएट बन पाए तो अपने उसी डिसीजन की वजह से जो है बन पाए। इसलिए वो बोलते हैं दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि उसी चीज़ ने जो मैंने चूज़ करा उसने मेरे अंदर क्या करा, उसने मेरे अंदर जो है ऐसा कैपेबिलिटी लेकर आया कि आज जो है मैं आपके सामने इतना अच्छा पोएट बन के खड़ा हूँ। अगर मैं उस दिन चॉइस नहीं कर पाता, अच्छा डिसीजन नहीं लेता और लोगों की बातों में आके वही करता जो वो लोग कह रहे थे, तो शायद मैं आज पोएट ना होता। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे फ्यूचर में भी ना जब हम बड़े होते हैं तो हमको क्या करना है, हमारे पास हमें भी हमारे पास भी ऐसा समय आएगा जब हमें
क्या हो, जब हम लोग यंग होंगे और हमारे पास टू ऑप्शंस होंगे, जब हम लोग एडल्ट एज में होंगे और हमें जो है कुछ करने होगा आगे चल के, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, तो हमको क्या करना है, हमको ना वही चूज़ करना है, वही चॉइस करना है जो हम बनना चाहते हैं। हमको कभी भी दूसरों के दिखावे में आके, दूसरे के लुभाव में आके कि यार वो भी ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि हमको बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अकलमंद होना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए। किस मामले में? अपनी चॉइसेस बनाने के मामले में, या फिर अपने ऑप्शंस में से जो है चूज़ करने के मामले में। बिकॉज हमारा जो फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे आज की चॉइस पे डिपेंड करता है। हम कैसा आज चॉइस करते हैं ये डिपेंड करता है हमारे फ्यूचर पे। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो भी डिसीजन लेना है वो हमको बहुत तरीके से लेना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में जो है किसके बारे में बताया गया था, उसने दो रोड्स के बारे में बताया गया। रोड किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, रोड किसको बता रहा है, लाइफ को बता रहा है कि हमारी लाइफ में भी क्या होता है, हमारी लाइफ में भी जो है ऐसे ही चॉइसेस आते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको कोई एक चॉइस को चूज़ करना है, ठीक है, और उसको भी कैसे करना है, एक चॉइस को बहुत वाइजली हमको जो है उसको चूज़ करना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में वो हमको बताते हैं कि क्या होता है, मैं उनमें से एक रास्ता मैं चुनता हूँ, देखने में तो एक जैसे लगता है, पर एक चुनता हूँ जो थोड़ा कैसा है, ग्रासी सा लगता है मुझे, और वांटेड वेयर मुझे लगता है कि थोड़ा घास ज़्यादा है, लोग कम चलें इस पर, तो ये ठीक रहेगा। पर कहते जब मैं आगे चलता हूँ तो आगे चल के पता लगता है हैड वॉन द रियली अबाउट द सेम, कि नहीं ये रास्ता भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसा दूसरा वाला, यानी इस पर भी खूब मेहनत है। और कहते हैं कि कभी कहता क्या होता है, आप सुबह के समय देखें तो सुबह के समय तो ये रास्ते एक जैसे लगते हैं क्योंकि अभी तक इन पे कोई चला ही नहीं है। पर क्या होता है कि जब मतलब आपको कभी ना कभी तो इसके ऊपर चलना ही, जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं कि चलो ठीक है एक रास्ता भी लेते हैं, एक बाद में ले लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। जब आप इस पर आगे चले जाते हैं ना, तब आपको पता लगता है, अब आपको डाउट होता है कि अब मैं शायद कभी वापस पीछे जा भी पाऊँगा या नहीं। ठीक है, और लास्ट वाले में फिर ये बताते हैं कि मैं जो है मैंने एक डिसीजन लिया, रॉबर्ट बताते हैं मेरी लाइफ में ऐसा समय आया था जो मेरे पास दो ऑप्शन थे, पर मैंने एक डिसीजन लिया, और ये मैं आपको बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ बता पाऊंगा क्योंकि आज मैं खुश हूँ। किससे खुश हूँ? अपने उस डिसीजन से खुश हूँ जो मैंने अपने फ्यूचर के लिए लिया था, क्योंकि वही डिसीजन ने क्या करा, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। कि आप अगर मुझे आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं, मशहूर हूँ, तो सिर्फ अपने उस डिसीजन की वजह से। अगर वो ना लेता तो शायद आज मेरे को कोई भी नहीं जानता। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना इसके पोएट्रिक डिवाइसेस वगैरह बताऊंगा। थैंक यू।